नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 के हिंदी विषय में एकम नंबर 7 का अभ्यास करेंगे, जिसका शीर्षक है सोच अपनी अपनी। यानी सोच अपनी अपनी यानी अपने अपने विचार, यानी हम क्या कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, ऐसा इस एकम का शीर्षक है। इस एकम में यही बात की गई है कि सब व्यक्ति सभी इंसान अपने विचार अपने मत रख सकते हैं। यानी इस एकम का साहित्य प्रकार है वाद विवाद। यानी हम किसी स्पर्धा में भाग लेते हैं, कोई स्पर्धा में हम एक दूसरे के साथ कोई विषय पर बात करते हैं, उसे हम वाद विवाद करते हैं। यानी कोई विषय हो, यानी विज्ञान वरदान या अभिशाप, कोई एक व्यक्ति उसके मत में और एक व्यक्ति उसके विपक्ष में बात करता है तो उसे हम वाद विवाद करते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद विचार रख सकता है कि आज वर्तमान समय में कौन सी पार्टी आएगी, तो ऐसा सभी व्यक्ति अपने अपने मत रख सकते हैं। यानी यहाँ पर भी ऐसे चार प्रश्न की बात की गई है। एक है चित्र के आधार पर, यानी दो चित्र दर्शाए गए हैं, दो चित्र के आधार पर हमें बताना है कि एक चित्र में क्या बताया गया है और दूसरे चित्र में क्या बताया गया है, ऐसे चित्र के आधार पर हमें कहना है, तो इसकी बात हम करेंगे। इसके उपरांत दूसरा विषय है विज्ञान वरदान या अभिशाप। यानी विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप, इसके अंतर्गत कक्षा में विद्यार्थी अपने मत रखते हैं। एक विद्यार्थी इसके पक्ष में बात करता है, एक विद्यार्थी इसके विपक्ष में बात करता है। इसके आधारित कक्ष में वाद विवाद होता है। सभी व्यक्ति सभी बालक अपने मत रख सकते हैं कि विज्ञान हमारे लिए वरदान है, तो दूसरा बालक इसके अंतर्गत कह सकता है कि विज्ञान हमारे लिए अभिशाप है, ऐसे अपने मत रख सकते हैं। तीसरा विषय है कौन शक्तिशाली, कलम शक्तिशाली या तलवार। यानी सहज हमें लगता है कि कलम सबसे शक्तिशाली है, उपरांत कई व्यक्तियों को ऐसा भी लगता है कि तलवार सबसे शक्तिशाली है। यानी वर्तमान समय की हम बात करें तो हमें जान पड़ेगा, हमें पता चलेगा कि कलम ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कलम के आधारित ही सभी कायदे कानून बनते हैं, सभी व्यक्ति सभी इंसान शिक्षा की प्राप्ति भी कलम के आधारित करते हैं। और चौथा जो अंतिम जो विषय है, जो प्रश्न है, वो है सामग्री के आधार पर प्रश्नों के उत्तर। यानी कोई एक लेख, कोई भी एक परिपत्र, उसके आधारित हमें प्रश्न बनाना हो। यानी जो एक लेख हो वो दिया जाता है, उसके अंतर्गत हमें प्रश्न दिए जाते हैं, तो हमें उसके उत्तर देने पड़ते हैं। इसके आधारित यहाँ पर चार विषय दर्शाए गए हैं, तो चार विषय में से हम एक विषय के अंतर्गत थोड़ी सी बात करेंगे, समझेंगे। इसके उपरांत अन्य तीन विषय की बात हम समझेंगे, उसकी की बात क्या की गई है। तो पहला विषय है चित्रों के आधार पर हमें बताना है कि तीनों चित्र में दो चित्र हैं, तो दोनों चित्र में क्या बात की गई है, तो उसकी बात हम करेंगे। तो चित्र में एक चित्र है नगर का और एक है गांव का चित्र है। दोनों चित्र में विभिन्न भिन्नता है। यानी कक्षा में एक बालक कहता है कि नगर का जीवन सबसे अच्छा है, तो दूसरा बालक कहता है गांव का जीवन बहुत ही अच्छा है। ऐसे कक्ष में बच्चे वाद विवाद करते हैं, अपने मत दर्शाते हैं। तो हम गांव की बात करें तो गांव के चित्र में क्या बात की गई, उसकी बात करें तो गांव के अंदर नदी जा रही है, नदी बह रही है, तो नदी में कुछ लोग नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, और एक स्त्री पानी भर के अपने घर की ओर वापस जा रही है, और वातावरण भी एक सुहाना लग रहा है, और उसके आसपास कच्चे मकान भी हमें दिख रहे हैं। और देखा जाए तो गांव का जीवन हमारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी ओर हम नगर जीवन की बात करें तो नगर जीवन में हमें चौड़ी और दो तरफा रास्ते देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलती हैं, और वाहनों का प्रदूषण हमें देखने को मिलता है। यानी देखा जाए तो नगर में जीवन बहुत ही कठिन है। यानी प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। यानी दो तरफा यहाँ पर मत दर्शाया जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि नगर का जीवन बहुत ही अच्छा है, तो दूसरे बच्चे यह भी कहते हैं कि ग्रामीण का जीवन बहुत अच्छा है। इसके अंतर्गत यहाँ इस एकम को हम समझें। इसके उपरांत तीन विषय हैं, एक है विज्ञान वरदान या अभिशाप।
तीसरा विषय है कलम शक्तिशाली है या तलवार, इसके अंतर्गत भी हमने थोड़ी सी बात की। तीसरा विषय है सामग्री के आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर दें, ऐसे चार विषय के आधारित यह एकम में समझाया गया है। एक एक प्रश्न के आधार मैंने आपको समझाया, तो आपको भी इस एकम को एकम समझ में आया होगा कि इस एकम में क्या बात की गई है। तो आप भी इस एकम को समझें और कहीं पर भी बैठकर अपने परिवार के साथ, कक्ष में आप हो तो कक्ष में भी आप अन्य अपने मित्रों के साथ कोई भी विषय पर आप ऐसे वाद विवाद कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और अपना मत भी रख सकते हैं। तो ऐसा ही आपको अपने घर पर बैठकर एक चित्र को लेकर आपको गृह कार्य करना है, तो ऐसा एक चित्र आपको शोधना हो प्राप्त करना है और उस चित्र में कौन सी भिन्नता है, कौन सा अंतर है वो आपको स्पष्ट करना है। तो यह एकम इस तरह पूर्ण होता है। आप सबका आभार, धन्यवाद, अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।